हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अ टॉपिक पेल कटैचू इन फार्माकोग्नोसी। द पेल कटैचू ड्रग जो होती है ये जो होती है मिसलेनियस के अंदर आती है, ठीक है। तो ये जो होती है मिसलेनियस के अंदर आती है, और पेल कटैचू को हिंदी में पीला कत्था कहा जाता है, ठीक। तो आज हम इसमें पेल कटैचू में इसमें पढ़ेंगे सिनोनियम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट एंड थेरापूटिक एफिकेसी। ये चीज़ आज हम इसमें कवर करेंगे पेल कटैचू में। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या, सिनोनियम्स की। पेल कटैचू के सिनोनियम्स क्या होते हैं, समान शब्द। तो इसके जो सिनोनियम्स होते हैं वो होते हैं गैम्बियर, पहला सिनोनियम्स होता है इसका गैम्बियर, और दूसरा होता है, सेकेंड वन होता है पेल कटैचू। पेल कटैचू भी कह सकते हैं समान शब्द में, और गैम्बियर जो समान शब्द होते हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है, तो कि पेल कटैचू इज एन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर रॉसबर्ग फैमिली यूबीएसी। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो पेल कटैचू जो होता है, ये हमारा जो होता है ये लीव्स से पाया जाता है, पत्तियों से पाया जाता है, और शूट्स, उस लीव्स और शूट्स में से ये ऑब्टेंड होता है, वहाँ से हमें पाया जाता है। और इसका जो प्लांट नेम होता है वो होता है अनकेरिया गैम्बियर रॉसबर्ग, ठीक। अनकेरिया गैम्बियर रॉसबर्ग इसका प्लांट नेम होता है। और फैमिली किसकी अगर बात करते हैं, तो फैमिली जो इसकी होती है वो होती है रूबिएसी, फैमिली इसकी रूबिएसी होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जियोग्राफिकल सोर्स। तो द इसमें क्या होता है, द प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तो ये क्या होता है, इसका ये जो प्लांट होता है, ये जो प्लांट होता है कहाँ से हमें मिलता है, तो ये इंडिया में ये पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है, सिंगापुर और इंडोनेशिया, यहाँ पर ये प्लांट जो होता है हमें और पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। तो इसमें क्या होता है, कलर, पहला होता है कलर। तो कलर क्या होता है इसका, डार्क रेडिश ब्राउन कलर जो इसका होता है वो होता है डार्क रेडिश ब्राउन, ठीक। उसके बाद ऑर्डर जो उसका होता है ऑर्डरलेस होता है, कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑर्डर जो तो होता है इसका ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट, बट आफ्टर वर्ड्स स्वीटेस्ट। तो इसका क्या मतलब होता है कि पहले जो होता है वो बिटर होता है, पहले जो होता है पेल कटैचू वो बिटर होता है, कड़वा होता है, पर आफ्टर कुछ देर बाद वो स्वीटेस्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है। फॉर्म की बात करते हैं तो ये किस फॉर्म्स में होते हैं, तो ये रेगुलर क्यूब्स मेजरिंग फ्रॉम 2-3 सेंटीमीटर ईच वे, और इन मैसेस ऑफ एडरेंट क्यूब्स एंड समटाइम्स इन लार्जर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड और इन इरेगुलर ब्रोकन पीसेस। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो होता है किस फॉर्म में होता है, किस में पाया जाता है, ये जो होता है क्यूब में होता है, क्यूब में पाया जाता है, क्यूब रेगुलर क्यूब्स के आकार का होता है, और इसका जो साइज होता है क्यूब का वो होता है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के में होता है। और उसके बाद ये जो होता है, और क्यूब जो होता है एंड सेम टाइम इन लार्जर रेक्टेंगुलर 4 सेंटीमीटर। तो ये जो होता है क्यूब जो होता है वो कभी कभी 4 सेंटीमीटर का भी होता है, तो इसलिए वो ब्रोकन पीस छोटे छोटे टुकड़े के रूप में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पहला पॉइंट है पेल कटैचू कंटेन्स अबाउट 7.33% कैटैचिन एंड 22-50% इसमें तो इसमें 22 से लेकर 50% इसमें कैटैचू टैनिक एसिड
पाया जाता है। उसके बाद दिस टू सब्सटेंस इन वेरिंग प्रोपोर्शन कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर ओवर 60% ऑफ द ड्रग। तो इसका क्या मतलब होता है कि पेल कैटेचू में पहले तो 7.33% कैटेचिन मौजूद होता है, उसके बाद 22 से लेकर 50% इसमें कैटेचू टैनिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद ये दोनों सब्सटेंस जो होते हैं वो ड्रग के 60% भाग को कवर करते हैं। तो जैसे कि पेल कैटेचू में 60% भाग जो होता है वो इन्हीं दोनों केमिकल से होता है, पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैटेचू टैनिक एसिड गिव्स अ ग्रीन कलर विद द सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इंडिकेटिंग अ फ्लोबर टैनिन्स। इसका क्या मतलब होता है कि कैटेचू टैनिक एसिड जो होता है उसको जो फेरिक क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं या क्रिया कराते हैं तो वो ग्रीन कलर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर। इसका इंडिकेटिंग संकेत देता है कि फ्लोबर टैनिन जो होता है वो इसमें मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्राउन सब्सटेंस रुबेनिक एसिड एंड जेपोनिक एसिड ऑफ अननोन केमिकल नेचर आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसमें ब्राउन सब्सटेंस भूरे पदार्थ भी इसमें मौजूद होते हैं पेल कैटेचू में, रुबेनिक एसिड इसमें पाया जाता है, जेपोनिक एसिड इसमें मौजूद होता है और अननोन केमिकल नेचर आर ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो कंटेन कैटेचू रेड कॉमा क्वर्सिटिन एंड गैम्बियर फ्लोरोसेंस अ फ्लोरोसेंस सब्सटेंस। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो होता है इसमें कैटेचू रेड भी पाया जाता है, मौजूद होता है पेल कैटेचू में, क्यूरसेटीन पाया जाता है एंड गैम्बियर फ्लोरोसेंस इसमें पाया जाता है और फ्लोरोसेंस सब्सटेंस में पाया जाता है। फ्लोरोसेंस सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि जो चमकीले पदार्थ होते हैं वो भी पेल कैटेचू में पाए जाते हैं। इसके बाद टेस्ट की बात करते हैं, केमिकल टेस्ट। तो पहला टेस्ट है इसमें गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अ लिटिल पाउडर ड्रग इज बॉइल्ड विथ एल्कोहल फिल्टर्ड एंड सोडियम हाइड्रोसाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द फिल्ट्रेट स्टेट एंड अ फ्यू ml ऑफ लाइट पेट्रोलियम इज एडेड एंड देन पेट्रोलियम लेयर शो ग्रीन फ्लोरोसेंस। इसका क्या मतलब होता है कि अ लिटिल पाउडर ड्रग, एक कम मात्रा में पाउडर ड्रग लेते हैं पेल कैटेचू की, ठीक, उसको फिर बॉइल्ड करते हैं उबालते हैं और उसमें एल्कोहल के साथ पाउडर ड्रग ली जाती है और एल्कोहल के साथ उसको बॉइल्ड किया जाता है, उबालते हैं उसको, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, देन उसके बाद फिर सोडियम हाइड्रोसाइड सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, मिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है एंड अ फ्यू एम एल, उसके बाद फिर से फिल्ट्रेट करते हैं, फिर से छानते हैं, फिर एंड अ फ्यू एम एल ऑफ लाइट पेट्रोलियम, कुछ बूंदे लाइट पेट्रोलियम की उस सॉल्यूशन में ऐड की जाती है। उसके बाद पेट्रोलियम लेयर होती है वो शो करती है ग्रीन फ्लोरोसेंस, ठीक। उसके बाद पेट्रोलियम लेयर जो होती है वो ग्रीन फ्लोरोसेंस जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद सेकेंड टेस्ट में क्या है, क्लोरोफिल टेस्ट। इसमें क्या होता है, द पाउडर ड्रग इज बॉइल्ड विथ 5 ml क्लोरोफॉर्म ऑन अ वाटर बाथ फिल्टर्ड इन अ वाइट पोर्सिलियन डिश एंड इवेपोरेटेड इन अ वाटर बाथ एंड अ ग्रीनिश येलो रेसिड्यू इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि जो पाउडर ड्रग होती है उसको 5 ml क्लोरोफॉर्म के साथ बॉइल्ड किया जाता है, उबाला जाता है उस किसमें, ऑन अ वाटर बाथ में, उसके बाद फिल्टर करते हैं, छानते हैं, उसके बाद अब व्हाइट पोर्सिलियन डिश में उसको इवोपरेट करते हैं। उसके बाद अ ग्रीनिश येलो रेसिड्यू जो होता है ग्रीन कलर का अवशेष जो होता है वो प्राप्त होता है, अ ग्रीन कलर रेसिड्यू जो होता है वो प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या होता है, द ड्रग इज ट्रीटेड विथ वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएजेंट विच इज अ मिक्सचर ऑफ वेनिलिन 1 ग्राम, एल्कोहल 10 ml एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml एंड देन पिंक और रेड कलर इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि द ड्रग जो होती है, जैसे पेल कैटेचू होता है उसको ट्रीट करते हैं, उसकी क्रिया कराई जाती है वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक रिएजेंट के साथ, ठीक है।
उसके बाद तो वैनिलिन हाइड्रोक्लोरिक रिएजेंट क्या होता है, उसमें जो होता है मिक्सचर होते हैं, किस किस चीज़ के मिक्सचर होते हैं, तो पहला वैनिलिन जो होता है उसमें 1 ग्राम मिलाया जाता है, अल्कोहल जो होता है 10 ml उसमें ऐड होता है, और उसके बाद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी 10 ml ऐड होता है। ये 3 केमिकल ऐड होकर वैनिलिन वैनिलिन हाइड्रोक्लोरिक रिएजेंट जो होता है वो बनता है। उसके बाद जब ये इसको रिएक्ट कराते हैं पेल कटैचू के साथ, तो ये पिंक और रेड कलर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, पिंक और लाल कलर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। फिर थेरापूटिक एफिकेसी की बात करते हैं, यूज़ क्या क्या है इसके पेल कटैचू के। तो पहला है इट इज़ यूज्ड इन टू ट्रीट, इट इज़ यूज इन टू ट्रीट डायरिया, डायसेंट्री एंड एज अ गार्गल फॉर सोर थ्रोट। क्या होता है इसकी, ये जो होता है डायरिया जो होता है, इसका जो उपयोग होता है वो डायरिया में किया जाता है, लूज मोशन हो गया उसमें इसका उपयोग होता है, एंड एज अ गार्गल, गार्गल करते हैं, गार्गल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोर थ्रोट जो होता है, जो गले में खराश हो जाती है, उसमें भी इसका पेल कटैचू का यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज है इन इंडिया इट वॉज यूज एज स्किन लोशन सिंस रिमोट टाइम्स। इसका क्या मतलब होता है कि इन इंडिया, इंडिया में काफ़ी लंबे समय से ये जो काफ़ी लंबे समय से ये स्किन लोशन के रूप में उपयोग होता है, स्किन लोशन त्वचा के लोशन के रूप में उपयोग किया जाता है इन इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैटैचू इज़ यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इसका उपयोग जो होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल अप्लाई कैटैचू डायरेक्टली टू द स्किन फॉर स्किन डिजीज एंड ट्रॉमेटिक इंजरीज टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड फॉर ड्रेसिंग वुंड्स। तो इसमें क्या होता है पीपल, मतलब कि इसमें होता है कैटैचू जो होता है डायरेक्टली टू द स्किन पे अप्लाई होता है, ये जो होता है स्किन पे अप्लाई किया जाता है फॉर स्किन डिजीज, स्किन से जो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उस पे, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो उसमें इसका उपयोग होता है, एंड इंजरीज जो जैसे कोई ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है उसमें भी पेल कटैचू को लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है, उसमें भी इसका उपयोग होता है स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और ड्रेसिंग वुंड्स घाव जो हो जाते हैं उसमें एज अ ड्रेसिंग के रूप में भी इसका उपयोग होता है।